सत्या, आज का दिन इतिहास में काफी स्पेशल है और डीडी मॉर्निंग शो के थर्सडे एडिशन के लिए भी ये दिन काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमने पूरा कर लिया है एक साल। बिल्कुल, सो दैट्स द रीजन वी आर ब्रिंगिंग यू अ सेलिब्रेटरी एपिसोड। सो लेट्स डाइव इनटू द सेलिब्रेशन एंड डाइव इनटू द जर्नी व्हिच शोज इट्स इंसेप्शन एज वेल एज द माइलस्टोन्स दैट वी अचीव्ड इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ वन ईयर। एक साल का जश्न, डीडी मॉर्निंग शो का थर्सडे एडिशन। जॉइन अस एवरी थर्सडे 8 AM to 9 AM ओनली ऑन डीडी मॉर्निंग शो। जब कुछ नहीं था तब दूरदर्शन था, यहीं से सारी शुरुआत हुई है। मुस्कुराहटें, रियली हंसी, गीत संगीत, छोटा कार्यक्रम, प्रेरणा, नई ऊर्जा और विश्वास से भरने वाले पलों से भरपूर पिछले एक साल में डीडी मॉर्निंग शो के थर्सडे एडिशन ने दर्शकों को भारतीय सिनेमा और संगीत के सितारों और लेजेंड्स के बेहद करीब लाकर खड़ा कर दिया। सुभाष जी जो कहेंगे वो तो ठीक है, सुभाष जी को तो टाइटल तक देखेंगे, बाद में तो नाटक देखेंगे। इस शो पर हम सब ने साथ मिलकर खोले यादों के कुछ पन्ने। मैं जो यहाँ आया हूँ ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है और साथ साथ दूरदर्शन टीवी का उपकार है। और यही गाना आज गीतमाला की संगीत सीढ़ी की चोटी पर था। और हम मिले उन कलाकारों से जिनके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है। डीडी मॉर्निंग शो ने इन लेजेंड्स को एक साल के इस सुनहरे सफर में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। जब किसी के आने से उस काया का अंग अंग खिलने लगा तो इस शो ने हर पीढ़ी को एक साथ जोड़ा है, एक साथ चलते चलते दिल जुड़े और ये यात्रा एक यादगार सफर बन गया। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। All of it started with me watching my father on that Chopal interview. संडे को जब लाइट चली जाती थी, सबको जब रामायण महाभारत देखनी होती थी तो वो बैटरी लगा के टीवी चलता था और सब लोग आके दादाजी के टीवी पे देखते थे। किसी से मोहब्बत भी करता हूँ तो प्रेम से करता हूँ, किसी से कत्ल भी करता हूँ तो प्रेम से करता हूँ। जहाँ सभी दर्शक सिनेमा और संगीत के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। डीडी मॉर्निंग शो नाम के इस अनोखे उत्सव के लिए शो की पूरी टीम को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं जो इसकी अवधारणा, प्रस्तुति और प्रसारण के नित नए प्रयोग करते हैं। We always want to go back to from where it started. Absolutely. So that's Doordarshan. Doordarshan, I think it's ये omnipotent match ये है, मतलब उसके बगैर आप इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। जो आज दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए हैं उसका मतलब वो अपनी जड़ों के साथ, नैतिकता के साथ, मौलिकता के साथ जुड़े हुए हैं। अपने दर्शकों, अतिथियों और दूरदर्शन की पूरी टीम का एक साल के इन अमूल्य स्मृतियों के लिए धन्यवाद।